एंड के लिए आ रही है बहुत अच्छी गुड न्यूज़, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे लगभग 1 करोड़ स्टूडेंटों को टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का वितरण करने वाली है। किन किन को ये लैपटॉप मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस क्लास के बच्चे हैं और दोस्तों क्या क्या पात्रता मांगी गई है, आपको हम बताएंगे किस तरह से अप्लाई करना है आपको लैपटॉप या टैबलेट के लिए, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक आग्रह है, छोटा सा आग्रह यह है दोस्तों, जो चैनल आप देख रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं आप, उसके नीचे एक लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा, उसको दबा दीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली बहुत सारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई, सरकारी न्यूज़ों से जुड़ी हुई और दोस्तों बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हम यहाँ पर करना बताते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके बहुत आसानी से। आइए दोस्तों कर लेते हैं लैपटॉप टैबलेट जो सरकार बांटने वाली उत्तर प्रदेश सरकार उसकी बात। दोस्तों आज ही सरकार ने योगी कैबिनेट में एक फैसला लिया है जिसमें 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, उसमें से एक प्रस्ताव यह भी है कि लगभग 1 करोड़ यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट और एक स्मार्टफोन दिया जाने वाला है। आइए इस खबर को हम विस्तार से जान लेते हैं। ये खबर दोस्तों को छोटे मोटे न्यूज़ चैनल की नहीं बल्कि बहुत सारे अखबारों की और दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनलों की यहाँ पर हेडलाइन बन चुकी है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा स्नातक। और दोस्तों हमें एक बात और आपको यहाँ पर बता दें, जो दोस्तों इंटर या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं जो कि अखिलेश सरकार ने ये फैसला लिया था उनको देने का, आपके बिल्कुल उलट कर दिया है सरकार ने, उन स्टूडेंटों को तो दिया ही जाएगा जो लगभग इंटर में या हाई स्कूल में जिन्होंने टॉप किया है या अच्छे नंबर पाए हैं, लेकिन दोस्तों आपके उन विद्यार्थियों को भी सरकार स्मार्टफोन या टैबलेट देने वाली है जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, ये चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र में है, ये दोस्तों कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े हुए थे और जिन्होंने कौशल विकास योजना में बहुत अच्छा काम किया है, प्रदर्शन अच्छा किया है, उनमें से लगभग 50 लाख से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट सरकार और स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थनाथ ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मोहर लगी, इसमें युवाओं को टैबलेट वितरण करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और जल्दी आपके घर पर भी ये टैबलेट अगर लैपटॉप आने वाला, अगर आप भी इन जो हमने आपको बताई शैक्षिक योग्यताएं इनमें से कोई एक पर आप लगातार ही रिसर्च कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, कौशल विकास हो या दोस्तों अच्छे नंबर अगर आपने पाए इंटर हाई स्कूल में, तो आपको ये मिलने वाला है। दोस्तों किन किन छात्रों को मिलेगा आइए जान लेते हैं और किस तरह से मिलेगा ये भी जानेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण यानी कि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल मोबाइल स्मार्ट के माध्यम से, जो सोशल मीडिया का आपको जमाना है आपको पता ही होगा, सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। स्नातक यानी कि दोस्तों BA, BSc या BCom या और बहुत सारी क्लासेस इसमें आती हैं, और दोस्तों तकनीकी शिक्षा में BTech या स्नातक हो या दोस्तों BTech करो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है कोई, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है, पॉलिटेक्निक में बहुत सारे तरीक़ों से होती है, BTech भी काफ़ी तरीक़ों से होता है, कई ट्रेड हैं इसमें। और दोस्तों चिकित्सा मेडिकल लाइन में जो छात्र जुड़े हुए हैं कौशल विकास से जुड़े हुए, लगभग 60 से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया कि किनको ये दिया जाने वाला है, और हाई स्कूल या इंटर वालों को आप हमसे कमेंट्स में पूछेंगे जरूर, हम आपको बता देते हैं जिन्होंने दोस्तों टॉप किया है, अच्छे नंबर पाए हैं, उनको यह मिलने की काफ़ी उम्मीद है। तो दोस्तों इस खबर को जो प्रकाशित किया है वो क्या है, जी न्यूज़ ने, बहुत बड़ा चैनल है अपने देश का। तो दोस्तों किस तरह दिया जाएगा, कहाँ अप्लाई करना है आपको हम यहाँ पर बता दें, लिखा हुआ है आप भी पढ़ सकते हैं इसको। और जैसे ही दोस्तों अप्लाई करने के लिए कोई न्यूज़ आती है या दोस्तों कोई फॉर्म आता है फिल करने के लिए, हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह फिल करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप देख सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है स्मार्टफोन दिया जाएगा, ये प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी, इसमें करीब 3000 करोड़ होगा दोस्तों, यहाँ पर शायद इन्होंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है जी न्यूज़ वालों ने, कि करीब बजट खर्च होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आप जो भी है हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ सुनकर आपको किस तरह
महसूस हुआ, क्या अच्छा लगा इसमें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको कोई सवाल बनता है हमारी वीडियो के बारे में या दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में, आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम आंसर जरूर दें।